बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता के साथ हुई है बड़ी धोखाधड़ी। पुलिस ने फ्राइडे को कहा कि रिटायर्ड डिप्टी एसपी और दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी से 5 लोगों ने कथित तौर पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है, जिन्होंने उन्हें एक सरकारी आयोग में उच्च रैंकिंग पद दिलाने का वादा किया था। जी हाँ, दिशा पाटनी के पिता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके पिता के साथ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। फ्राइडे की शाम बरेली कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर FIR भी दर्ज कराई गई। कोतवाली पुलिस स्टेशन प्रभारी डी के शर्मा ने बताया कि शिवेंद्र प्रताप सिंह, दिवाकर गर्ग, जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश, प्रीति गर्ग और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश इस मामले में फिलहाल की जा रही है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसकी माने तो बरेली के सिविल लाइंस के निवासी जगदीश पाटनी, जो कि फेमस एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि शिवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें दिवाकर गर्ग और आचार्य जयप्रकाश से मिलवाया। आरोपी ने मजबूत राजनीतिक रिलेशन होने का दावा किया और जगदीश पाटनी को सरकारी आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी तरीके का एक बड़ा पद दिलाने का आश्वासन दिया, जिसकी एवज में उनसे लाखों रुपए मांगे गए। जगदीश पाटनी का विश्वास हासिल करने के बाद उन सब ने कथित तौर पर उनसे 25 लाख रुपए लिए, 5 लाख नगद और 20 लाख रुपए 3 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। शिकायत में कहा गया है कि जब 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो आरोपी ने ब्याज समेत पैसे लौटाने का वादा किया। पुलिस ने कहा कि अब जगदीश पाटनी ने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गया और इसके साथ ही उनके साथ काफी बुरा व्यवहार भी किया गया। पाटनी ने आगे आरोप लगाया कि ठगों ने राजनीतिक संबंधों के अपने झूठे दावों को मजबूत करने के लिए अपने ही एक साथी को अधिकारी बनाकर उनसे मिलवाया, जिसका नाम हिमांशु है। बड़ी धोखाधड़ी का शक होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।